भाई साहब यार क्या ही गाइस, मस्त एकदम सुहानी सी सुबह है। वैसे यार ये जो सुहानी सी सुबह है यार, ये होनी चाहिए थी समुद्र के बीच में, क्योंकि यार तुम लोगों को तो पता ही है यार, माइकल ने मेरे को एक बहुत ही तगड़ा वाला घर गिफ्ट किया है। चलो यार एक बार उस घर पे चक्कर काट के आते हैं। क्यों शिनचैन पिनचैन? अरे फैबे यार, लेस्टर ने मुझे बुलाया है। लेस्टर ने तुझे बुलाया है? वो क्यों? अरे पता नहीं यार, तेरा भी बर्थडे निकला था ना बे। अरे हाँ यार, कहीं वो भी तो तुझे गिफ्ट नहीं देने वाला? अरे मुझे क्या पता यार, ये तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। अबे चल चल, तेरे को मेरे जैसा गिफ्ट नहीं मिलने वाला। भाई साहब मेरा माइकल दोस्त है ही अनोखा, वो भाई उसके जैसा कोई दोस्त नहीं है दुनिया में। गाइस यार सीरियसली में यार, हम लोग अभी अभी कल ही रहकर आए हैं यार उस वाले पूरे के पूरे, मतलब पूरा पूरा दिन हम लोग उसी वाले घर पे रहे जो कि पानी के ऊपर है। और भाई साहब अलग ही फील आ रहा था गाइस, एकदम पानी की जो आवाज थी, पानी बहने की, पानी की लहरों की अलग ही आवाज थी। और सुबह का तो गाइस मौसम एकदम देखने लायक था उस वाले घर पे, मजा ही आ गया। और साथ में गाइस उसके वॉच टावर पे चढ़ के पूरे शहर का नजारा लेने का भी अलग ही मजा है। भाई साहब क्यों शिनचैन, मजा नहीं आया तुझे उस वाले घर पे? अरे भाई मैं मजा तो आया यार, लेकिन मैं ये सोचा यार ये लेस्टर ने मुझे क्यों बुलाया है। लेस्टर ने सच में ही बुलाया तुझे? अरे हाँ यार हाँ। पता नहीं क्यों बुलाया। अरे यार वैसे मैं तो जा रहा हूँ अभी, तुम भी चलोगे क्या? हाँ हाँ चल लेते हैं बिल्कुल। वैसे भाई साहब यार मैं भी चलूंगा। और मैं भी चलूंगा। अबे सबके सभी जाएंगे? अरे हाँ हाँ कोई नहीं यार, चलो चलो। वैसे भाई साहब तू सुन ले यार, पहले कह रहा हूँ भाई, दिल मत तोड़ लियो अपना, लेस्टर कुछ नहीं देने वाला। अरे फैमे यार वो देगा नहीं, उसकी कोई जरूरी बात होगी इसलिए बुला रहा है। अबे नहीं नहीं मुझे पता है, वो तेरे को पक्का गिफ्ट देने वाला है, तेरा भी तो बर्थडे निकल गया। हाँ गाइस मेरे को पता है यार, कोई फटीचर सा गिफ्ट दे देगा बस ये हो जाएगा दुखी। अबे दुखी मत होइयो भाई, लेस्टर से ज्यादा उम्मीदें मत लगा, वो छोटा मोटा ही गिफ्ट देगा। अरे फैमे कोई नहीं यार, मैं छोटे मोटे गिफ्ट में भी खुश हूँ। देखते हैं गाइस लेस्टर क्या गिफ्ट देता है। वैसे पता नहीं गिफ्ट के लिए बुला भी रहा है कि नहीं, ये तो मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूँ। सो फटाफट से गाइस यार गेट को खोलते हैं। और ये किसकी गाड़ी है यार? अरे फैमे ये मेरी है यार। हैं ये कहाँ से लेकर आए बे? अरे कल ही नहीं खरीदी, साइमन के शोरूम से। साइमन के शोरूम से? वो क्यों भाई? अरे यार ऐसे यार वो वाली गाड़ी चला चला कर मैं बोर हो गया था इसलिए उसे बेच दी। तूने रोल्स रॉयस बेच दी? अरे हाँ। अबे तू पागल है क्या? अरे फैमे क्या करूँ यार, बोर हो गया तो वो गाड़ी चला चला के। वैसे एक सेकंड, रोल्स रॉयस तो तू जीता था ना? अरे हाँ यार। वो तूने बेची क्यों भाई? अरे ऐसे यार बोर हो गया था। तो बोर हो गया था तो मतलब क्या, कोई सी भी कबाड़ी गाड़ी भी उठा कर लेकर आ जाएगा? अरे कबाड़ी नहीं है यार, ये मस्त है। अरे यार क्या बताऊं मैं अब तुम लोगों को, एक को दो पैसे 10 करोड़ तो वो फटीचर गाड़ी लेकर आ जाता है। ऐसे नहीं नहीं उसकी गाड़ी तो ठीक ही थी, अब इसको दो गिफ्ट तो अच्छी खासी महंगी रोल्स रॉयस बेच के पता नहीं क्या ही लेकर आ गया ये। अरे सही है यार जो भी है। अब आ जाओ फिर चलते हैं लेस्टर के घर। अरे वैसे यार लेस्टर ने बुलाया नहीं है तुम्हें, तुम क्यों जा रहे हो? मैं तेरे संग जा रहा हूँ भाई, रास्ते में तूने एक्सीडेंट कर दिया तो गाड़ी का। अरे इसका मतलब तुम ड्राइवर बन के जा रहे हो? अबे चल, ड्राइवर बन के नहीं जा रहा मैं, थोड़ा दोस्त बन के जा रहा हूँ। अब आ रहे हो कि नहीं तुम लोग? अरे जल्दी आ भाई शिनचैन। अरे आ गया यार, चलो चलो। और वो पिनचैन? अरे मैं भी आ गया यार। बस सबके सभी जाएंगे, पिनचैन के लिए तो जगह ही नहीं है। अरे कोई नहीं मेरे लिए छत तो है। वैसे भाई साहब पिनचैन तेरी वो वाली गाड़ी कहाँ है बे? अरे फैमे कौन सी यार? अबे जो तुझे माइकल ने दी थी। अरे मुझे माइकल ने कब दी? अबे जो मतलब तूने 10 करोड़ में माइकल से खरीदी थी पीली कलर की गाड़ी। अरे फैमे वो तो यार मैंने कलर चेंज करवाने के लिए दी है। वो क्यों? अरे यार वो पीला पीला कलर अजीब सा लग रहा था यार। अच्छा कौन से कलर में करवाने वाला है? अरे ग्रीन। अच्छा ठीक है भाई, सबको ग्रीन ही पसंद आ रहा है। अरे फैमे अब चलो यार लेस्टर के घर। अरे चल रहा हूँ यार चल रहा हूँ, ये तो ऐसे भाई साहब बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा है, जैसे मेरी तरह इसे वाटर मेंशन मिलने वाला है। अरे फैमे हो भी सकता है यार। चल चल कभी भी नहीं देने वाला वाटर मेंशन। भाई साहब कल तूने मेरे को गिराने का ठेका ले रखा है क्या? सॉरी भाई गलती से गिर गया। भाई साहब क्या गलती से गिर गया, तेरे को ढंग से चलानी नहीं आती। अबे वो कट लेने का चक्कर में गाड़ी टेढ़ी होगी और तू फिसल के गिर गया। भाई साहब अब की गिरा दिया ना, तेरा पिछवाड़ा नोच डालूंगा। अबे चल चल बैठ अब। भाई साहब चल, तेरी वजह से जाम लग गया। तेरी वजह से लगा है, गिर गया गाड़ी के ऊपर से। ओके सो गाइस फटाफट से यार अभी लेस्टर के घर निकलते हैं। अरे चलो चलो मेरा वाटर मेंशन। अबे खिलौने का वाटर मेंशन भी नहीं देगा तुझे वाटर मेंशन। ओके सो गाइस चलते हैं यार लेस्टर के घर फटाफट से, देखते हैं यार क्या गिफ्ट देने वाला है। भाई साहब कल क्या पता उसने कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाया हो। अबे हाँ ये भी हो सकता है यार, क्या पता कुछ बात बताने के लिए बुलाया यार। अरे लेकिन वो फोन पे भी तो बता सकता था बात। अबे जा ही रहना, पता ही चल जाएगा।
गाइस वो तो लेस्टर के घर पहुंचते ही कि आखिर बुलाया क्यों है उसने। बाप आज सब गलो है, तेरे को लेस्टर का घर का पता है? बिल्कुल पता है यार। अरे फैबे ये देखो यार सारी गाड़ियां कैसे ट्रेन की तरह जा रही है। अरे छोड़ ना भाई, ये लेस्टर का जो घर है गाइस वो, अरे यार भूल गए क्या? नहीं नहीं याद है शायद। अरे शायद मतलब क्या? अरे मतलब याद है, ये इस वाली गली में तो नहीं है शायद। बाप आज सब गलो है यार, तेरे को लेस्टर का घर नहीं याद? याद है याद है याद है, इस वाली गली में पक्का। अरे फैमे देख लो यार। हाँ हाँ पक्का इसी गली में। गाइस हम लोग फाइनली लेस्टर के घर पहुंच चुके हैं। देखते हैं भाई ये लेस्टर के बच्चे ने किस लिए बुलाया। लेस्टर लेस्टर, अच्छा लेस्टर घर पीछे रह गया। ओके फटाफट से गाइस चलते हैं लेस्टर के घर के अंदर। ओए लेस्टर भाई साहब क्या हालचाल? ओए लेस्टर। अरे फैमे यार ये लेस्टर घर पे नहीं क्या? पता नहीं। बाप आज साहब चल कल चल। ठीक है चलते हैं। बाप साहब आज साहब ये कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है? पता नहीं। बाप आज साहब बता ना भाई, मुनोच डालूगा। ओए कुत्ते का बच्चा कहाँ तू? अरे छोड़ ना यार, क्या ही पागल हो गया ये लगता है चौप। सो गाइस लेस्टर के घर के अंदर आ चुके हैं। लेस्टर भाई, अरे यार बड़ी देर लगा दी तुमने, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा? अरे यार तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पीछे वाले का। अरे क्या तो मेरा? अरे तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारे पीछे वाले का। बाप आज साहब मेरा? अरे तुम्हारा भी नहीं यार, तुम्हारे पीछे वाले का। अरे हाँ तो मेरा ही तो कर रहे होगे। अरे हाँ हाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था शिनचैन में। अरे लेकिन वो क्यों? अरे यार एक बहुत ही तगड़ी चीज थी। हाँ हाँ दे दे जो भी देना चाहता होगा, एक फोन देना चाह रहा होगा या फिर कोई टोपी वोपी या कपड़े वगैरह। अरे यार तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ ऐसा देने वाला हूँ? मैंने तो तुम्हें एक तगड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाया है। ले भाई साहब ले ले, वाटर मेंशन गिफ्ट की बात कर रहा था, ये तो तगड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाया। क्या भाई क्या बताना चाह रहा है तू? अरे मैं ये बताना चाह रहा था कि तुम्हारा बर्थडे निकल गया है शिनचैन, तो ये इन्फॉर्मेशन बतानी तुझे। अरे नहीं यार ये तो इन्फॉर्मेशन थी, अब इसके आगे क्या तू सुनो। अरे यार ध्यान दे यार बर्थडे के बारे में क्या। अच्छा बोल भाई क्या बताना चाह रहा है तू बर्थडे के बारे में। अरे देखो यार शिनचैन का बर्थडे निकल गया और मैंने गिफ्ट नहीं दिया कुछ भी। तो भाई तू गिफ्ट देता ही कब है? लेकिन इस बार मैं हर बर्थडे का पूरे के पूरे बर्थडे का कसर आज ही पूरी करने वाला हूँ। सारे बर्थडे की जितने भी उसके 5 बर्थडे निकल गए? हाँ यार वो सारे गिफ्ट मैं आज ही देना चाह रहा हूँ। अच्छा तू गिफ्ट देने वाला है? अरे फैमे यार देखो मैंने कहा नहीं था गिफ्ट मिलेगा गिफ्ट। हाँ तो एक टीवी दे रहा होगा, एक मोबाइल दे रहा होगा, जूते दे रहा होगा, कपड़े दे रहा होगा, बस यही देगा। अरे नहीं पागल हो गया क्या, इतने महंगे गिफ्ट हैं, इससे भी कम दे रहा है? अरे फैमे तो क्या यार घड़ी दे रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं इतनी भी महंगी कौन दे रहा है। अरे तो फिर क्या दे रहे हो? तुम्हारा गिफ्ट मैंने पीछे की साइड रखवा दिया है घर के। कहीं वो भौंकने वाला कुत्ता ही तो गिफ्ट नहीं दे रहा? अब ऐसा मेरे अलावा कोई सा भी कुत्ता नहीं आना चाहिए घर में। अच्छा अरे फैमे इतने दिनों से रहते रहे हैं। क्या बोला बे तू? अरे कुछ नहीं। ओए क्या है घर के पीछे? अरे यार खुद जाकर देख लो। ओके सो गाइस देख ही लेते हैं। अरे मेरा गिफ्ट है मैं देखूंगा। हाँ हाँ देख ले। साहब कल ये कुत्ता कहाँ पर है, बहुत ज्यादा भौंक रहा है ये। अबे चुप हो जा भाई, कहाँ पर देखना है लेस्टर? अरे रुक जाओ आता हूँ आता हूँ। अरे यार आ जाओ आ जाओ। कहाँ पर भाई कहाँ पर ही ले जाना चाह रहा है ये लेस्टर? बाप आज साहब कल तू चल ना यार, इतने सवाल क्या पूछ रहा है? तो तुम लोग जल्दी से आ जाओ यार, तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट तैयार किया है। अरे फैबे देखना यार क्या मस्त गिफ्ट मिलने वाला है मुझे। अच्छा अच्छा दिखा भाई लेस्टर। ये देखो यार। क्या देखूं मैं? अरे इधर तो आओ। ओ भाई। अरे फैबे यार ये तो बहुत ही तगड़ी चीज है। अबे ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी गाड़ी है यार। अरे फैबे यार इसका कलर देखो, इसके ऊपर डिजाइन देखो, अरे इसकी बॉडी तो देखो, अब इसकी लंबाई चौड़ाई और साथ में गाइस इसकी मजबूती देखो भाई साहब। अरे फैमे यार ये तो बहुत ही तगड़ी गाड़ी है। अबे ये कहाँ से लेकर आया भाई तू लेस्टर? अरे यार ये गाड़ी मैं खास लेकर आया हूँ शिनचैन के लिए। अरे क्या मेरे लिए? हाँ हाँ यार तुम्हारे लिए। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा गिफ्ट हो गया। अरे यार यही नहीं, इसके अलावा भी एक और गिफ्ट है। अरे फैमे देखना यार पक्का कोई बड़ा गिफ्ट होगा। अबे तू तो वाटर मेंशन कह रहा था, इसमें तो बस गाड़ी ही थी। अरे यार वाटर मेंशन से भी तगड़ी चीज देने वाला हूँ मैं तुम्हें। अच्छा वाटर मेंशन से तगड़ी चीज क्या होने वाली है? अरे वही तो मैं ढूंढने जा रहा हूँ। अरे वो चीज इधर नहीं है यार, उसके लिए गाड़ी से जाना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है फिर मैं चलाऊंगा गाड़ी। अरे मेरी गाड़ी है मैं ही चलाऊंगा। ठीक है भाई तू चलाना। अरे फैमे चलो यार फटाफट से। ठीक है चलते हैं। लेकिन भाई कहाँ तेरा गिफ्ट? अरे चलो चलो यार पहले गाड़ी के अंदर तो बैठो, रास्ते में बताता हूँ। ठीक है। अरे फैमे चलो यार फटाफट से बैठते हैं। चलो चलो बैठो। ओके सो गाइस फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं। अरे यार लेकिन गाड़ी मैं चलाने वाला था। ओए पिछली बार पिंचर ने गाड़ी खरीदी थी, वो भी मैं ही चला के ले गया था। अरे ठीक है यार तुम ही चलाओ। ओके सो गाइस वैसे गाड़ी देखो यार तुम लोग कितनी ज्यादा मस्त है यार, इस बात के लिए यार 1 लाख तो बनता है। भाई साहब वैसे लेस्टर तू इतना अमीर कब से हो गया? माइकल का तो चलो गाइस माना, माइकल के पास शोरूम वगैरह सब कुछ है तो इसलिए वो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन भाई तू कब से अमीर हो गया? अरे फैमे यार पता नहीं, मैं तुझसे पूछा, मैंने लेस्टर से पूछा। अरे यार देखो बात कुछ ऐसी है, मैं माइकल से भी ज्यादा अमीर हूँ।
हूँ। हैं, वो कैसे? अरे यार, जितने भी यहाँ पर सारे के सारे गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, सबके अकाउंट हैक करके सारे पैसे अपने अकाउंट में। ओ भाई साहब, देखा? तो ये तो गलत तरीके से फिर तू भी कमा रहा है। नहीं यार, ये तो सही तरीका हो गया ना उनके अकाउंट से पैसे निकालना। क्या बात है, ऐसे तो बहुत सारे लोग है भाई साहब जो घपला कर करके पैसे कमाते हैं। तो उन्हीं के अकाउंट से यार सारा माल निकाल लेता हूँ मैं, इसीलिए तो माइकल से भी ज्यादा अमीर हूँ मैं। तो फिर इस छोटे से घर में क्यों रहता है? अरे इसलिए ताकि किसी को शक ना हो। अरे फिर मैं मान जाना पड़ेगा यार ये लेस्टर को तो। हाँ गाइस, इस लेस्टर के बच्चे को तो मान जाना पड़ेगा भाई साहब। क्या ही तगड़ा दिमाग ला के यार इतने छोटे से घर में रह रहा है, ताकि यार किसी को शक भी ना हो। कहाँ जाना भाई? अरे यार बस आगे से लेफ्ट ले लेना। ओके। अरे फिर यार वैसे कुछ भी कहो यार, गाड़ी बड़ी जबरदस्त है ना। गाड़ी तो गाइस मुझे सच में तगड़ी लगी यार। साथ में यार इसका इंटीरियर देखो क्यों भाई। अरे हाँ यार, इंटीरियर मस्त है। और भाई साहब जॉब कैसा लग रहा है सनरूफ पे? भाई साहब कल यार एक दिन तो तुम लोगों से मैं बदला जरूर लूंगा। किस बात का बदला बे? भाई साहब तुम लोग हमेशा मेरे को छत पे टपका देते हो यार, कभी तो अंदर बिठाओ। ठीक है यार, वैसे तू बदला कैसे लेगा बे? एक दिन मैं गाड़ी खरीदूंगा और तुझे छत पे लटकाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं वो दिन कब आता है। अरे फैमी अभी जल्दी से ले चलो यार। हाँ भाई, लेस्टर बताना तू रास्ते। अब आगे से राइट। पता नहीं गाइस ये कहाँ ही ले जाने वाला है, पता नहीं क्या ही गिफ्ट देने वाला है ये। भाई साहब ये वाली गाड़ी कुछ गंदी सी नहीं लग रही? अरे फैमी हाँ यार, धूल जम गई यार इसके ऊपर, जल्दी से साफ करवा यार। साफ कहाँ से करवाऊँ? अरे यार आगे एक कार वॉश है वहाँ से। अच्छा। अरे फैमी हाँ यार, इसके बारे में तो मुझे भी पता है। कहाँ पर है यार वो कार वॉश? ये तो पतली सी गली है। अरे थोड़ा आगे चलो यार। पता नहीं गाइस ये लोग इधर आए हैं। अरे फैमी हाँ यार, कई बार आया हूँ यार। अच्छा कहाँ पर है? अरे ये तो रही सामने। ओ भाई साहब, यहाँ तो मैं पहली बार आ रहा हूँ गाइस। पता नहीं कहाँ से ही गाड़ी धुलती है। अच्छा पीछे से आना पड़ेगा गाड़ी वॉश करवाने के लिए। क्या ही बात है यार, चलो गाइस फटाफट से यहाँ से कार वॉश से हम लोग गाड़ी धुलवाते हैं। तुम लोग देख सकते हो यार ये कार वॉश कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। ओ भाई साहब, बे चौप तू तो ऊपर ही है। बे भाई साहब कल यार गाड़ी का साथ साथ मैं भी धुल जाऊंगा। सही तो है यार, तूने कई सालों से नहाया नहीं है, ठीक हो जाएगा। अरे फैमे ये देखो यार, चारों तरफ से पानी ही पानी। और भाई साहब कल मेरे पिछवाड़े पे भी पानी मार रही है लोग। सब कुछ धुल जाएगा। और चौप के ऊपर भी गाइस ब्रश लग चुका है यहाँ पर। अरे फैमे हाँ यार, चौप के ऊपर भी ब्रश लगा भी। भाई साहब यार लगता है मैं तो आज हीरो बन के ही निकलूंगा। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है गाइस। ये फाइनली सुखाने का भी काम हो चुका है। स्प्रे सब लगा दिया जा चुका है और ये फाइनली सुखाने का काम हो रहा है। और गाइस जो फाइनली अपनी गाड़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है। अरे फैमे पहले कितनी गंदी थी। और गाइस अब देखो यार कैसे चमचमाती हुई निकल रही है अपनी गाड़ी। अरे यार बस अब जल्दी से चलो। भाई साहब कुछ अलग ही नहीं चमक रही। अरे फैमे हाँ यार, कुछ ज्यादा ही चमक रही है। गाइस ये देखो यार, धूप की रोशनी कैसे अलग ही चमक रही है। अरे अब जल्दी से लेकर चलो। अरे लेस्टर भाई बताना आप कहाँ लेकर चलना है। अब बस आगे से लेफ्ट और उसके बाद राइट है। भाई साहब ये लेस्टर भी गाइस समुद्र के किनारे ही लेकर आया है। भाई साहब कल जो मैं सोच रहा हूँ कहीं तू भी तो वही नहीं सोच रहा। तू क्या सोच रहा है बे? मेरे को तो लग रहा है कहीं ये वाटर मेंशन तो ना गिफ्ट देने वाला। हाँ यार मैं भी वही सोच रहा हूँ, सच में ये वाटर मेंशन तो नहीं देने वाला गिफ्ट। अरे फैमे देखो यार। अरे नहीं यार, वाटर मेंशन नहीं देने वाला मैं गिफ्ट। हाँ फिर ठीक है। अरे फैमे हाँ यार फिर ठीक है। तू फिर वाटर मेंशन नहीं देने वाला तो क्या देने वाला भाई? मैं ये देने वाला हूँ। ये? हाँ वाटर मेंशन नहीं, वाटर बंगलो। भाई साहब। अरे फैमे यार ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। हाँ यार मैं यही गिफ्ट देने वाला हूँ शिनचैन को। भाई साहब। अरे फैमे यार देखो। और यही नहीं, इसके अलावा। भाई साहब इसके अलावा क्या? इसके अलावा एक बोट भी। ओ भाई। अरे फैमे यार ये तो बोट और भी ज्यादा तगड़ी है। पर बोट तो और भी ज्यादा तगड़ी, 3-4 टाइम्स तगड़ी है भाई। अरे यार क्यों शिनचैन, हिला डाला ना ऊपर से नीचे तक। मैं भाई साहब तुझे कैसे पता शिनचैन को ये सब पसंद आएगा? अरे यार देखो, तुम्हें परसों माइकल ने गिफ्ट दिया था। हाँ दिया तो था। तो यार उस गिफ्ट की बहुत ज्यादा ये शिनचैन पिनचैन तारीफ कर रहे थे, तभी मुझे याद आया कि अरे ये शिनचैन का भी तो बर्थडे अभी निकला, तो मैंने सोचा चलो शिनचैन को भी कुछ ऐसा ही गिफ्ट देते हैं। इसलिए मैंने ये वाली हरी वाली गाड़ी, साथ में वाटर मेंशन के बदले वाटर बंगलो, और उस हेलीकॉप्टर के बदले मैं दे रहा हूँ एक तगड़ी लग्जरी बोट। ओ भाई साहब देखा मेरा प्लान। अरे यार लेस्टर भैया थैंक यू। अरे कोई नहीं लेस्टर भाई तैयार हो जा। अरे किस लिए? गले मिलने के लिए। इसी तरीके से मैं गले मिला था माइकल से। भाई साहब दो दिन भी मेरे को चैन से घमंड नहीं करने दिया। अरे घमंड कैसा घमंड? अबे इन दोनों के पास ये सारी चीजें नहीं थी, वाटर मेंशन और ये हेलीकॉप्टर, इसलिए मैं भाई घमंड करे जा रहा था कि मेरे पास वाटर मेंशन है, मेरे पास हेलीकॉप्टर है। लेकिन भाई साहब सिर्फ एक ही दिन घमंड करने दिया तूने मुझे, अगले दिन तो तूने इन्हें भी दे दिया।
दिया, अब मैं घमंड कैसे करूँ। हाँ हाँ, इसीलिए तो ले भाई साहब, तू गले मिल मेरे से। अरे बस यार, कितने गले मिलोगे, मेरा खोपड़ा भी फोड़ दिया। नहीं तो दिमाग खराब कर रहा है। अरे फैबे क्यों यार, चिड़ मच रही है क्या? आ चिड़ मच रही है, गुस्सा आ रही है। अच्छा खासा गाइस, मैं एकदम मस्त, यह मेरे पास बंगला है, मेरे पास हेलीकॉप्टर भी है, ऐसा बोल रहा था, अब कहाँ से बोलूंगा। अरे यार अब और बोल लो, मैं बोल नहीं रहा था यार, हमारे पास भी एक दिन आएगा। और आज ही आएगा, मुझे ये क्या पता था। वैसे गाइस, तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ गाइस, लेस्टर के लिए यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि यार देखो भाई, लेस्टर एक तो ढंग से चल नहीं पाता, उसके एक पैर में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, फिर भी गाइस, और पैसे मतलब पता नहीं कैसे कमाते हैं, बट फिर भी यार टाइम तो लगता ही होगा। बट गाइस फिर भी यार, उसने हमारे दोस्त शिनचैन के लिए इतना ज्यादा खर्चा किया, और साथ में गाइस इतनी ज्यादा बढ़िया मेंशन दिया है, इस बात के लिए यार एक लाइक तो बनता है। अरे हाँ गाइस, फटाफट से यार लेस्टर के लिए एक लाइक कर दो, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। अरे हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हाँ हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे चलो भाई, घर को एक्सप्लोर करते हैं। अरे चलो चलो चलो। ओके, ओ भाई साहब यार, इधर तो अलग ही सीढ़ियां है गाइस। ओ भाई, पूरा अलग ही प्लेटफॉर्म बना रखा है गाइस घर के अंदर एंट्री लेने के लिए, तुम लोग भी आ जाओ। अरे पहले तुम देख कर आओ यार। ओके सो गाइस, तुम क्यों नहीं आ रहे बे? अरे क्योंकि मुझे डर है, क्या पता घर नीचे समुद्र में डूब गया तो, और संग में मैं भी डूब गया तो। अरे तो तुम गए तो गए, हम तो नहीं जाएंगे कम से कम। हैं, फिर मैं भी नहीं जा रहा अंदर। अरे मजाक कर रहे थे यार। अरे डरो मत यार, इतना कच्चा भी घर नहीं है कि समुद्र के अंदर डूब जाए। ओके सो गाइस, फटाफट से यार जल्दी से घर के अंदर एक बार इसका जायजा लेते हैं गाइस, कि आखिर में अंदर से घर कैसा है। वैसे बाहर से तो पूरा हवा में है, शायद नीचे पिलर्स लगे होंगे, और इधर गाइस अलग ही प्लेटफॉर्म है अंदर जाने के लिए, और ये सीढ़ी लगा रखी है, क्या ही बात है यार। चलो गाइस अंदर जाकर देख कर आते हैं। ओके सो गाइस, इस पानी पर तैरते हुए घर के अंदर मैं आ चुका हूँ। ओ भाई, अरे फैमे कैसा है यार घर? घर तो अलग ही लेवल का है गाइस, ये देखो यार, यहाँ पर क्या ही सजावट है। अरे फैमे यार, हाँ यार सही कह रहे हो, और फ्रूट्स भी लगवा रखे हैं यार लेस्टर ने तो। अरे हाँ यार, फ्रेश है एकदम। अच्छा वैसे गाइस, घर तो काफी ज्यादा अच्छा है, अभी फटाफट से नीचे चलता। ओ भाई, पानी के अंदर भी है क्या इसका हिस्सा? अरे हाँ बिल्कुल। अरे फैमे देखा यार, लेस्टर ने इतना मस्त घर दिया है। गाइस मान जाना पड़ेगा यार लेस्टर को भी। फिलहाल तो गाइस नीचे वाले घर के कमरे के अंदर चलते हैं। ओ भाई साहब, अलग ही बेड, और बेड के ऊपर खूबसूरत पेंटिंग्स। अरे फैमे ये देखो यार, क्या ही मस्त। और गाइस साथ में समुद्र की जो आवाज आ रही है अलग ही लेवल की। और वॉशरूम, अबे ये वॉशरूम है कि पूरा बेडरूम है यार? अरे यार देखो क्या मस्त वॉशरूम है, बाथटब सब लगवा रखा है गाइस। और इसका सारा माल कहाँ जाएगा भाई? अरे सीधा समुद्र में, ये तो बहुत ही बढ़िया यार। ओके सो गाइस, अभी फाइनली चलते हैं बाहर इस घर के। अरे लास्ट बेसमेंट तो चेक करूं। ओ भाई, पानी के अंदर तूने अंडरग्राउंड बेसमेंट भी बनवा रखी है? अरे हाँ बिल्कुल, रिलैक्स करने के लिए, शांति से पानी की आवाज सुनते सुनते, कुछ भी काम पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। भाई साहब लेकिन पहले बता दूं, हमारे घर में कोई पढ़ता नहीं है, फिर भी यार किताबें विताबें पढ़ने के लिए। ओ भाई साहब गाइस, ये वाला रूम तो अलग ही एकदम टॉप सीक्रेट सा है भाई, ये तूने कहीं अपने लिए तो नहीं बनवाया? अरे नहीं नहीं यार, कैसी बात कर रहे, तुम्हारे लिए बनवाया। ये देखो गाइस, कंप्यूटर सब सेटअप करवा रखा भाई साहब। अरे फैबे यार, तुम्हारा घर तो अंदर से सिर्फ एक ही कमरे का था, और मेरा देखो। हाँ गाइस यार, इसका तो घर है कि पूरा बंगला ही है। अरे तो मैंने कहा नहीं, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ वाटर बंगलो। सच में गाइस, इसका वाटर बंगलो तो बिल्कुल बंगलो जैसा ही है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। तुम लोगों को कैसा लगा यार, फटाफट से कमेंट में बताओ। और गाइस ये बताना यार, किसका घर ज्यादा बढ़िया था, मेरा या फिर फैंग भैया का? ओए चल चल, तेरा बढ़िया है। अरे फैबे नहीं यार, तुम्हारा भी ठीक ठाक था। वैसे गाइस तुम लोग बताने यार कमेंट में, किसका घर सबसे बेस्ट था, मेरा या फिर शिनचैन का भी। तो फटाफट से बाहर चलते हैं। सो गाइस फटाफट से घर के बाहर आ चुके हैं। अरे एक समुद्र में डुबकी तो लगा के आओ। ठीक है ठीक है। अरे यार ऐसे क्यों डुबकी लगा रहे हो, चलो बोट में एक सैर करके आते हैं। अबे हाँ सही कह रहा है। अरे फैमे हाँ यार सही कह रहे हो। मैंने कहा कहा बे? अरे मतलब लेस्टर भैया सही कह रहे हो यार। ओके सो गाइस चलो यार, एक बोट में सैर लगा के भी आते। ओ भाई साहब काफी ज्यादा बड़ा समुद्र है, मजा आएगा यार। अरे समुद्र तो बड़ा ही होता है, मतलब मजा आएगा यार। सो गाइस फटाफट से डाइव करते समुद्र के अंदर। भाई साहब कल मैं रह गया। अच्छा तू भी आया हमारे संग? भाई मेरे को भूल गया। आ जा यार आ जा। अरे फैमे चलो यार। ओके सो गाइस यहाँ पर बोट को लेकर चलते हैं सीधा समुद्र के अंदर। ओ भाई, अरे फैमे यार मजा आ रहा है। सो गाइस यार तुम लोग देख पा रहे हो यार, इधर तो अलग ही मजे आ रहे हैं यार। उस समुद्र पे गाइस हम लोगों को मिला था हेलीकॉप्टर, और इस वाले सी में मिली है गाइस हम लोगों को एक तगड़ी बोट। सुबह की सैर के लिए भाई अलग ही फीलिंग आ रही है। भाई साहब कल तू इतनी तेज चला रहा है, मैं उछल जा रहा हूँ हवा में। अरे कोई नहीं भाई। अरे
है मैं यार, मस्त बोट है। हाँ गाइस मस्त बोट है यार, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस तुम लोग जरूर बताना यार किसका वाटर मेंशन ज्यादा बेस्ट था। अरे हाँ गाइस कमेंट में जरूर बताना यार। फिलहाल तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अरे हाँ गाइस फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।